नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदी। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, मईशत पर सियासत अपने उरूज पर। कॉलम निगार है अंसार अब्बासी और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org पाकिस्तान के माशी हालात जो पहले ही अबतर थे, सैलाब के तबाह कारियों ने मजीद बदतर कर दिए हैं। इक्तसादी मैदान में पाकिस्तान को एक कौमी यकजहती की जरूरत है, जिसके बगैर हम इस मुश्किल से किसी सूरत नहीं निकल सकते। माशी इस्तेहकाम के लिए मईशत को सियासत से पाक करना जरूरी है, जिसके लिए सियासतदानों का किरदार नहायत अहम है। अफसोस के सियासतदानों के लिए उनके अपने अपने सियासी मुफादात से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं, और इसी तर्ज अमल और तर्ज सियासत का मुजाहिरा हम देख रहे हैं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह हाली का सामना है। ये भी सब जानते हैं कि मईशत की तबाही का मतलब है पाकिस्तान के लिए बैरूनी खतरात और अंदरूनी इंतशार, जबकि अवाम को भी नाकाबले बयान मुश्किलात का सामना होगा। सियासतदानों की मगर हालत देखें कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार से दिलचस्पी है और इसी के गिर्द उनकी सारी सियासत घूमती है, और जिसे वजीर आजम शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं उसकी मईशत के बारे में बात सुने तो वो कुछ और कहता है, जबकि इसी जमात का नाराज धड़ा जिसकी नुमाइंदगी नवाज शरीफ और मरियम नवाज कर रहे हैं, वो हुकूमत की माशी पॉलिसियों की खुले आम मुखालफत करता नजर आता है। जिस नून लीग का मईशत के बारे में अपने अंदर कोई इत्तफाक नहीं और जिसकी हुकूमत से बाहर बड़े बड़े रहनुमा मईशत पर अपनी ही हुकूमत से सियासत कर रहे हैं, वो जब मिसाक़े मईशत की जरूरत पर जोर दे और इस सिलसिले में रुकावट का इल्जाम अपने सियासी मुखालफीन पर आयद करे तो उस पर कोई कैसे एतबार करे। कोई अगर ये कहे कि नवाज शरीफ और मरियम को ये अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी नारों और मसलहतों की बजाय ठोस और मुश्किल इकदामात से ही बचाया जा सकता है तो ऐसा मुमकिन नहीं। उन्हें मालूम है कि मईशत की बुनियादें ठीक किए बगैर पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी मुमकिन नहीं, और इसके लिए मुश्किल फैसलों के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन ऐसा करना चूंकि उनकी सियासत को सूट नहीं करता, उन्हें अवामी तौर पर गैर मकबूल करता है, उनके लिए आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात का सबब बन सकता है, इसलिए वो अपनी सियासत को बचाने के लिए मईशत पर उसी तरह सियासत कर रहे हैं जिसका इल्जाम वो इमरान खान पर लगाते हैं। जब सबको मालूम था कि इमरान खान हुकूमत को निकाला तो ऐसी मौशी मुश्किलात का सामना होगा जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती, तो क्या उस वक्त इक्तदार की हवस ने नून लीग समेत उसके इत्तेहादियों की अकल पर पर्दा डाल दिया था? अब रोने धोने का क्या फायदा। कई बार कह चुका हूँ कि इमरान खान को हुकूमत से निकाल कर उनको बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया। इमरान खान को निकालना ही था तो इक्तदार की अपनी हवस पर काबू पाते और फौरी नए इलेक्शन करवा देते, लेकिन फैसला किया गया कि हम हुकूमत करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इक्तदार के साथ चिपके बैठे हैं। ये दुरुस्त है कि मौजूदा इक्तसादी तबाह हाली की बुनियाद इमरान खान ने अपनी हुकूमत में रखी और आज सारा मलबा अपने मुखालिफों पर डालकर एक ही रट लगा रखी है कि बस इलेक्शन करवाओ। अपने दौरे हुकूमत में सियासी अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जरिया खुद बने रहे, सारा वक्त अपने मुखालिफीन से लड़ते और उन्हें चोर डाकू कहते रहे। अब कहते हैं मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है और उसका फौरी और वाहिद हल इलेक्शन ही है। इमरान खान मईशत पर बात नहीं करना चाहते, कहते हैं पहले इलेक्शन का ऐलान करो फिर कोई दूसरी बात करो। नए इलेक्शन का मतलब कम अज कम 3-4 महीने हैं, वो भी अगर आज नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। अगर इमरान खान नए इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात और नए इलेक्शन कमीशन का अपना मुतालबा मनवाना चाहते हैं तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि जल्द अज जल्द इंतखाबात को भी 5-6 माह लग सकते हैं। सरे दस्त मुल्क की जो माशी हालत है उसे फौरी इलाज की जरूरत है, और चंद महीनों के इंतजार का मतलब मुकम्मल तबाही है। अफसोस की बात यह है कि तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत के लिए मौजूदा हुकूमत का माशी तौर पर नाकाम होना सूट करता है। मौजूदा हुकूमत की माशी नाकामी और आसमान को छूती महंगाई इमरान खान को इलेक्शन तो जितवा देगी, लेकिन अगर मुल्की मईशत को दुरुस्त करने के लिए फौरी इकदाम ना किए गए और मईशत को सियासत से बालातर रखकर
कोई मुत्तफिका लाहे अमल वजा ना किया गया तो इमरान खान को इलेक्शन जीतने पर जो मईशत मिलेगी वो उन्हें भी हुक्मरानी के काबिल नहीं छोड़ेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, हुक्मरान हो, नून लीग का नाराज धड़ा, इमरान खान या दूसरे सियासतदान, सब मिलकर मुल्क का सोचें, आवाम का ख्याल करें और मईशत पर सियासत बंद करें। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।